कोरोना महामारी के चलते लोगों का रुझान कृषि की ओर बढ़ा है। कोरोना से आहत हुए बेरोजगार लोगों ने कृषि को अपनाया है, जिसके बाद अब लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों को लगाया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में उद्यान विभाग भी फलदार पौधों को कम कीमत पर उपलब्ध करवाकर बागवानों को राहत प्रदान कर रहा है, जिसका बागवान भी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इसी के चलते जिला के उद्यान फल बिक्री केंद्रों पर सुबह से ही बागवानों की भीड़ देखी जा रही है। बरसात का मौसम शुरू होते ही उद्यान विभाग हमीरपुर द्वारा वर्षाकालीन फलदार पौधों की बिक्री की जा रही है, जिसमें अलग अलग किस्मों के आम जैसे आम दशहरी, आम अमरपाली, आम मलिका, लीची, आमला, संतरा, मौसमी, नींबू बारामासी, नींबू कागजी, कागजी नींबू बडेड लेयर, कटहल, पपीता, गलगल और कलमी अमरूद रियायती दरों पर विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं, जिनको खरीदने में बागवान काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उद्यान विभाग की विक्रय केंद्र इंचार्ज डॉक्टर मोना ठाकुर ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा वर्षाकालीन फलदार पौधों की बिक्री की जा रही है, जिसमें अलग अलग किस्मों के आम जैसे आम दशहरी, आम अमरपाली, आम मलिका, लीची, आमला, संतरा, मौसमी, नींबू बारामासी, नींबू कागजी, कटहल, पपीता, गलगल और कलमी अमरूद आदि फलदार पौधे शामिल हैं। मोना ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते किसान बागवान फलदार पौधों को खरीदने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मोना ठाकुर ने बड़े बागवानों से आग्रह किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, जिससे आने वाले समय में उन्हें मुनाफा हो। उद्यान विभाग की तरफ से वर्षाकालीन पौधों की बिक्री की जा रही है। इसमें जैसे कि आप आम डिफरेंट प्रजातियों के आम जैसे दशहरी, लंगड़ा, अमरपाली, मल्लिका इत्यादि और लीची, संतरा प्रजाति के पौधे जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू, बारामासी नींबू इत्यादि का वितरण किया जा रहा है हमारी सेल काउंटर पर। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वो किसान बागवान पौधों को लेके जा रहे हैं। और इस बार जो है कोरोना की वजह से जो है लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है पौधों के प्रति। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कोरोना महामारी का सब दौर चला हुआ है, तो हम इस कोरोना की चुनौती को एक अवसर के रूप में ले सकते हैं और अपने अपने घर पे सभी लोग पौधे लगाएं, फलदार पौधे लगाएं, ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य, उनका न्यूट्रिशन जो सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित कर सकें। और इसके साथ ही मेरा बड़े जो बागवान है जिनके पास ज़मीन अधिक है, उनसे अनुरोध है कि वो बगीचे जरूर लगाएं अपने घरों में, ताकि भविष्य में वो स्वरोजगार के अवसर उनको जो है वो प्रदान हो सके। क्योंकि यही हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग ही एक ऐसा सोर्स है जिससे उनको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा आय जो है वो मिल सकती है। धन्यवाद। पौधे खरीदने आए युवक ने बताया कि पहले वे लीची के पौधे लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि यदि आज हम फलदार पौधे लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को फल मिल सकेंगे। मैं पिछली बार भी अभी आया हुआ था, तो मैं लीची वगैरह लेके गया था, आम और लीची, कटहल वगैरह। और हमारे गांव में मतलब सभी बोलते हैं पे आप जाया करो, लेके आया करो। मैं हमारे गांव में और हमारे दादा दादी वगैरह, मम्मी पापा सारे हमें प्रेफर करते हैं पे आप अगर पौधे वगैरह लगाओगे, जिससे आपको ऑक्सीजन, फल फूल वगैरह आगे आने पीढ़ी वालों को भी हमें ये बताया जाता है, उनको भी ये राय दी जाए भाई हम खेती बाड़ी करें और फूल फल वगैरह पौधे वगैरह लगाएं, जिससे हम आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा मतलब फल वगैरह दे सकें, ऑक्सीजन की कमी ना हो सके हमें और हमारे मतलब आने चलती रहे पीढ़ी, से यही हमें अच्छा लगता है भाई। हम जितनी बार भी फल पौधे लगाएंगे तो हमें भी आगे फल मतलब हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को फल मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी। और उनका भी मैं ये मानना है मेरा भी हमारी आगे पीढ़ी ये करे पे उनको खेती बाड़ी करनी चाहिए वगैरह फल वगैरह लगे। वहीं बरोहा के निवासी अजय प्रसाद ने बताया कि हर साल ही फलदार पौधे लगाते हैं और इस बार भी पौधे खरीदने के लिए उद्यान विभाग के केंद्र पर आए हैं। उन्होंने बताया कि उद्यान विभाग के द्वारा सब्सिडी पर पौधे दिए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं बरोहा का स्थायी निवासी हूं, जिला हमीरपुर से संबंध रखता हूं। हम प्रसाद जैसे ही यहां पे प्रसाद आते हैं, पौधे लगाने का काम जो है वो गांव-गांव प्रति ट्रस्ट की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से शुरू कर दिया जाता है। हम हर साल यहां से पौधे लगाते हैं, साथ में अधिक से अधिक पौधे लगाएं, ताकि हमारा जो वातावरण है ये और साफ हो जाए।